दिन बात करेंगे फ्लैट फुट के लिए तीन इंपॉर्टेंट बातों के बारे में। तो यदि आपको फ्लैट फुट है या आपके डॉक्टर ने, आपके फुट एंड एंकल सर्जन ने आपको फ्लैट फुट डायग्नोस किया है, तो आपको ये सारी बातें जानना बहुत ज़रूरी है। फ्लैट फुट को सेल्फ डायग्नोस करना भी बहुत आसान है। इसके लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने फ्लैट फुट स्क्रीनिंग के बारे में डिटेल्स दी हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यदि आपको फ्लैट फुट है या डायग्नोस किया गया है आपके डॉक्टर के द्वारा, तो आपको इन बातों का बहुत ध्यान रखना है। इसमें फर्स्ट पॉइंट बहुत ज़रूरी है दैट डू नॉट इग्नोर योर सिम्टम्स। जो भी लक्षण हैं, जो भी सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, आपको गौर से उनको देखना है, समझना है और पहचानना है। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स पाँव में दर्द, एड़ी में दर्द, इसके अलावा घुटने में और कमर में भी दर्द फ्लैट फुट के कारण हो सकता है। अगर बच्चों में फ्लैट फुट डायग्नोस हुआ है तो बच्चों का जल्दी थक जाना अपने दोस्तों के, अपने साथियों के मुकाबले, उनके साथ साथ भाग नहीं पाना, खेल में रुचि कम होना, बार बार गिरना भागते हुए, ये सभी फ्लैट फुट के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो अगर ये सिम्टम्स आप में या बच्चे में हैं, देखे गए हैं, तो इनको इग्नोर नहीं करिए, ये बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है कंसल्ट योर डॉक्टर, कंसल्ट योर फुट एंड एंकल सर्जन एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके अपने डॉक्टर से, अपने फुट एंड एंकल सर्जन से मिलें ताकि वो आपके फ्लैट फुट को देख सके, उसकी स्टेजिंग कर सके, ये पता कर सके कि आप अर्ली स्टेज में हैं, शुरुआती दौर में हैं या एडवांस फॉर्म में आ गए हैं। क्योंकि सारा का सारा जो इलाज है वो इसी बात पे निर्भर करता है, चाहे वो कसरतें हों, चाहे वो ऑपरेशन हो, वो सब निर्भर करेगा कि किस स्टेज पे आपका फ्लैट फुट है। इसलिए कंसल्ट योर डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो भी राय आपको दी गई है डॉक्टर के द्वारा इलाज लेने के बारे में, चाहे वो एक्सरसाइजेस के फॉर्म में दी गई है या सर्जरी के फॉर्म में दी गई है, उसको फॉलो करें। क्योंकि ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि फ्लैट फुट का इलाज जितना जल्दी हम करेंगे उतना ही आसानी से होगा और उतना ही नॉर्मल एक्टिविटीज आने में कम समय लगेगा। जितना हम देर से इलाज करते हैं उतना ही इलाज बहुत डिफिकल्ट होता है। ज़्यादातर देर वाली स्थिति में इलाज सर्जिकल ही होता है, ऑपरेशन के द्वारा ही हो पाता है, और रिटर्न टू एक्टिविटी यानी कि नॉर्मल जिंदगी में आने में उतना ही ज़्यादा समय लगता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप इन तीनों बातों का बहुत ध्यान रखें। यदि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपको है तो नीचे कमेंट में लिखें, हम जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने की कोशिश करें।